आज हम बात करते हैं नाग चंपा की। नाग चंपा बहुत ही प्यारा पौधा होता है, बहुत ही इसके फ्लावर बहुत ही अच्छे होते हैं, वाइट रंग के फ्लावर होते हैं और बीच में येलो कलर का शेडिंग होती है, ये येलो कलर की। इसके फ्लावर देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, फ्रेगनेंस नहीं होती इनके फ्लावर के अंदर, खुशबू नहीं होती है, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और नाग चंपा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो पत्ती होती है उनकी शेप नाग की तरह से होती है, तो फूल ना भी आए इसमें फिर भी इसकी जो पत्तियां हैं वो इसकी शोभा काफ़ी बढ़ाती हैं। इसे इंडोर आउटडोर दोनों तरह से हम रख सकते हैं। इतना प्यारा पौधा है ये नाग चंपा का। तो अभी हम मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक गार्डन में लगा हुआ है, काफ़ी अच्छे बड़े बड़े इसके जो है प्लांट्स हैं नाग चंपा के, दिखाता हूँ। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, कम से कम ये 10-12 फीट का पौधा है। देखिए फूल कितने प्यारे हैं, देखिए इसके बहुत प्यारे फूल हैं, इसके पत्तियों की शेप बहुत बढ़िया होती है इसकी। ये कितना बड़ा पेड़ है ये। अच्छा, हमें इसमें जो है पानी का भी विशेष ध्यान देना है, पानी हमें इतना देना है कि हम पानी डालें और वो निकल जाए। ज़्यादा पानी खड़ा रहेगा तो पौधा ख़राब हो जाएगा। जो और चंपा होता है उसके अंदर तो खुशबू काफ़ी होती है, फ्रेगनेंस भी बहुत होती है, लेकिन इस नाग चंपा के अंदर फ्रेगनेंस नहीं होती है। खूबसूरती है इसकी फूलों की वो, और इसकी पत्तियों की जो खूबसूरती है वो ही होती है इसकी केवल। ये कितनी मोटी इसकी डंडी शाखाएं हैं इसकी, कितनी मोटी मोटी, बहुत बड़ा पेड़ हो गया ये नाग चंपा का। कितने प्यारे फूल हैं इसके। और इसमें ज़्यादा फूल प्राप्त करने के लिए हम NPK 19:19 का स्प्रे महीने में 1-2 बार कर दें तो फूल काफ़ी अधिक मात्रा में आएंगे और पौधा भी खूब अच्छा तंदुरुस्त और हेल्दी होगा, बुशी पौधा हो जाएगा। देखिए पत्ते कितनी प्यारी है, एकदम एक भरा हुआ है, 8-10 फीट का ये काफी बड़ा पेड़ हो गया है। पत्ते देखिए इसकी नाग की तरह से होती है इसकी शेप जो है, इसलिए इसको नाग चंपा बोला जाता है। देखिए फूल कितने प्यारे आए हुए हैं। अच्छा, इसके जो फूलों के आगे जो ये डंडी है नेप है तो वहाँ पर कीड़े लग जाते हैं इसमें, तो इन कीड़ों से बचाव के लिए जो मैं अभी बताऊंगा आपको, जब मैं फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता हूँ उसके बारे में बताऊंगा, तो वो फर्टिलाइज़र का स्प्रे आप करेंगे तो इसमें कीड़े ना लगेंगे। देखिए कितने प्यारे फूल हैं इसके। इसको ग्रो करने के लिए इसकी पेंसिल जितनी मोटी डंडी, पेंसिल से मोटी डंडी हो उसको कट कर लें और 2-3 दिन सुखा लें जिससे उसका दूध जो है सूख जाए, फिर इसको मिट्टी में लगा देंगे तो 1.5 से 2 महीने के अंदर हमारा ये प्लांट बनके तैयार हो जाएगा। और इसका जो ग्रोइंग सीजन होता है, इसका जो ग्रोइंग सीजन होता है वो मार्च से स्टार्ट हो जाता है और सितंबर अक्टूबर तक पूरी गर्मियां मानसून ये खूब फ्लावरिंग करता है, और हाँ सर्दियों में थोड़ा ये रेस्ट में चला जाता है तब इसका डोरमेंसी का टाइम होता है, और गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। जहाँ ये लगे हुए हैं नाग चंपा वहाँ पर ये अरेका पाम भी लगे हुए हैं,
तो अरेका पाम के ऊपर भी मेरी जो वीडियो बनी हुई है, तो ऊपर आई बटन आया हुआ है, तो उस पर जाकर के आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। इसको पूरे दिन भर की धूप मिल जाए तो ये बड़े अच्छे से ग्रो करता है और फ्लावरिंग भी खूब देता है। इसे गमले में भी हम आसानी से उगा सकते हैं और ज़मीन में तो ये पेड़ बन जाता है। और गमले में इसको पानी इतना देना है कि ज़्यादा पानी गमले में ना रहे, मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाए तब इसमें हम पानी दें। ज़्यादा पानी देंगे तो रूट सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, पत्तियाँ इसकी पीली पड़ जाएंगी और पौधा भी खराब हो जाएगा। देखिए इसके ये नाग चंपा के आगे जो ये फूल है ना, जो सिक्स डंडी है, वहाँ पर कीड़ों का अटैक होता है और कीड़े जो है वहाँ पर लग जाते हैं और इसकी पत्तियों को भी खा जाते हैं। तो उसके बचाव के लिए हम जो है स्प्रे करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इमिडाक्लोप्राइड, नीम ऑयल और हैंड वॉश, इनका स्प्रे हम महीने में 1 से 2 बार कर दें तो ये जो है इसमें कीड़ा नहीं लगेगा और उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। नीम ऑयल, ये नीम ऑयल जो है आपको जो बीच वाली दुकानें होती हैं वहाँ से मिल जाएगा। तो ये नीम ऑयल जो है हम आधा ढक्कन लेकर के और साथ में हम लेंगे हैंड वॉश। यह हैंड वॉश है, 102 बूंदी केवल हमें लेनी है, इसमें ज़्यादा नहीं। और इन दोनों को मिला करके हम इसका स्प्रे कर देंगे। अच्छा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पर। बाय बाय।